up a mountain. क्या नाम है भैया तुम्हारा? थोड़ा आगे हो जाओ. क्या नाम है? पवन कुमार. पवन, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18. पढ़े लिखे हो कुछ? पांचवी क्लास. पांचवी तक पढ़े? जोर से बोल रहे यार. कहाँ से बिलोंग करते हो? कहाँ से हो? जिला सुल्तानपुर. जिला सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र अमेठी. अमेठी. अच्छा, कब से चलाते हो रिक्शा? एक महीना हो गया. एक महीने से रिक्शा चला रहे हो? पहले क्या करते थे? होटल पे करते थे. होटल में काम करते थे. और वहाँ क्यों छोड़ा? अजी, लड़ाई झगड़े में छोड़ दिया. लड़ाई झगड़े में काम छोड़ दिया, अब यहाँ कर रहे हो. पहले ज़्यादा खुश थे या अब ज़्यादा खुश हो? पहले ज़्यादा खुश थे. पहले वाला काम ज़्यादा बढ़िया था. उसमें ज़्यादा कमाते थे या कम कमाते थे? और उसमें भी 6,000 रुपये खाना पीना खर्चा निकाल के हो जाता था. बन जाता था इतना महीने का. अच्छा, तो अभी आगे का क्या सोचा है? मतलब अभी रिक्शा ही चलाओगे या फिर दोबारा दूसरा काम ढूंढोगे? काम दूसरा देखेंगे जी. अच्छा. आगे कोई बढ़िया काम मिलेगा तो इससे बढ़िया करेंगे. होटल से भी बढ़िया काम करेंगे. अच्छा, एक बात बताओ, अगर पढ़ने को कोई कहे, पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहते हो? शादीशुदा हो? नहीं. दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में जखीरा. जखीरा रहते हो? क्या हुआ? कितना किराया देते हो इसका? 50 रुपये. लेकिन वैसे तुम गाड़ी चलाते हो? जी हाँ, मैं ड्राइवर हूँ. अच्छा अच्छा, तो दीपक कितना बना लेते हो एक रिक्शा से? मैं एक दिन में वही 250-300 के एवरेज में बना लेता हूँ. 250-300 बना लेते हो? जी हाँ. और महीना कितना बैठा है? 4,000. 90,000 के लमसम में आ जाता है. 9,000 के आसपास. 8,000 के लमसम में बन जाता है इतना. ये बचत करने हुआ, उसमें 50 रुपये हमको निकालना पड़ता है. जैसे कि 1,500 रुपये महीना उसमें निकल गया तो 7,000 के लमसम में आ जाता है. अच्छा, 7,000 में तकरीबन 4,000 को घर यानी कि मेंटेनेंस में भेज देना पड़ता है और या बाकी 3,000 में मेरा यहाँ पे हो जाता है. शादीशुदा? जी हाँ. शादीशुदा हो? जी नहीं, बिल्कुल शादीशुदा नहीं हूँ अभी. अच्छा, अनमैरिड हो. कितना किराया देते हो रिक्शा का? उसका किराया मैं 50 रुपये देता हूँ. 50 रुपये ठीक का. और कहाँ रहते हो? मैं लारनपुर में दौड़ाराम पार्क के पास रहता हूँ.
क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेहताब। मेहताब, मेहताब क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल? हाँ जी। मैं थोड़ा आगे हो जाऊँ मेहताब और थोड़ा तेज बोलूँगा ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। मेहताब कब से चला रहे हो ये रिक्शा? 3-4 महीने हो गए होंगे सर। 3-4 महीना से रिक्शा चला रहे हो? हाँ जी। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ जी, 7th class तक। 7वीं तक पढ़े? हाँ जी। फिर उसके बाद रिक्शा क्यों? पापा का तबीयत खराब हो गया अचानक, घर में कोई कमाने वाले नहीं थे इसीलिए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है? हाँ जी। क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? वो दिमाग में चोट, सर में चोट लगने से वो मेंटल हो चुके हैं। अच्छा, तो इस वजह से तुम बड़े बेटे हो घर के? नहीं, हम मझले हैं। तुम मंझले हो, तुमसे बड़ा एक और है वो भी रिक्शा चलाता है? नहीं, वो काम सीख रहे हैं। अच्छा, तो रिक्शा चलाकर क्या मतलब कितना कमा लेते हो एक दिन में? 150-200 रुपये कमा लेते हैं। 150-200 कमा लेते हो? हाँ जी। रिक्शा के अलावा कुछ और काम नहीं सोचा तुमने? दूसरे कामों में फैक्ट्रियों में 2500 से 3000 रुपये तनख्वाह है, उतने में हो नहीं पाता है। महीने में एक बार पैसे मिलते हैं, उससे घर चल नहीं पाता है। तो पढ़ने पढ़ने का कुछ तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं पढ़ाई पूरी करूं, 7वीं तक पढ़ाऊं, 10वीं कर लूं या 12वीं कर लूं? कुछ ऐसा नहीं सोचा तुमने? उतना टाइम ही नहीं मिला। उतना टाइम नहीं था? अच्छा, एक जो मैं 8 घंटे 12 घंटे जॉब करना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला? पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला। कब तक चलाओगे रिक्शा? अभी 1-1.5 महीने और चलाऊंगा। 1-1.5 महीने और चलाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या फिर फैक्ट्री में कोई वर्क किया? रिक्शे से पहले क्या करते थे? मैं फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था जहाँ ये चप्पल बनते हैं सिलाई वाले और जूते। अच्छा, वही काम किया। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी, पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो? भैया क्या नाम बताया आपने? विनोद यादव। थोड़ा तेज बोलिएगा। विनोद यादव? विनोद यादव। विनोद, कब से आप रिक्शा चलाते हैं? हो गया 2 साल। 2 साल। कुछ पढ़े लिखे हो? जी हाँ, 8 तक। 8 तक। क्या उम्र है आपकी? 40 साल। ओके। विनोद 8वीं तक पढ़े हो शायद आप? विनोद, फिर भी रिक्शा क्यों? मैं रिक्शा इसलिए चला रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई हमारी पूरी नहीं है, एक तरह से अधूरी है। अच्छा, तो किसी काम के लिए अगर कहीं जाते हैं, पूछते हैं आप कितना पढ़े लिखे हो, उसके बाद पूछते हैं आपका पहचान पत्र है कि नहीं है, तो इसलिए मैं कोई दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ। रिक्शा चलाने के लिए मेरी मजबूरी बन जाती है। तो खाली एक ये मजबूरी है रिक्शा? रिक्शा चलाने की मजबूरी, इसमें कोई शौक नहीं है। शौक से नहीं चलाते, मजबूरी से चलाते हो? जी हाँ। कभी खेती बाड़ी भी करते थे क्या पहले? हाँ, खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी से अच्छा काम तो और नहीं हो सकता मेरे ख्याल से? तो खेती बाड़ी भी तो कम है, उसमें भी गुजारा होने वाला नहीं है। उसमें गुजारा नहीं होता, तो उसको छोड़कर तुम शहर आ गए हो रिक्शा चलाने? परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। परिवार गाँव में है या यहाँ पर? कुछ बच्चे गाँव में हैं, 2 बच्चे गाँव में हैं। अच्छा, बाकी बीवी एक बच्चा यहाँ साथ में है। अच्छा, 2 बच्चों को वहाँ छोड़ रखा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह से हो? उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। आजमगढ़ से हो? लालगंज तहसील। अच्छा, ठीक है। क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिए क्या करे जिससे तुम्हारी कंडीशन और बेटर हो? जी हाँ, इसके लिए रिक्शे के लिए अगर चल रहा है तो इसके लिए भी कोई कायदा कानून होना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई भी आदमी रिक्शा चला के राजी नहीं होता है, इसलिए कि हर एक आदमी उल्टा बोलता है। क्या बोलते हैं? कोई भी आदमी सीधे बोलता है, हुए बिहारी
रिक्शा उधर कर, ओए चावल रिक्शा उधर कर, ओए रिक्शे वाले। ज्यादातर लोग उल्टी भाषा बोलते हैं, गालियां भी बोल देते हैं, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक होती है, थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक होती है तो लोग फटाक से जो है कि गाली बोल देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। अच्छा, ऐसी पोजीशन में कोई भी रिक्शा अपनी मजबूरी में चलाता है, शौक में नहीं चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो आगे का ये सोचा है कि अभी तक लाइक कुछ प्लान किया है लाइफ में कि यह रिक्शा ही कंटिन्यू करोगे? जी नहीं, ये मजबूरी ही है आगे के लिए जो है, हमें ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी ऑटो रिक्शा के लिए सोच रहे हो? नहीं, खरीदने का औकात तो नहीं है, किराए पे चलाएंगे। किराए पे चलाओगे? यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ, बन गया है, कमर्शियल करवाना है। अच्छा, कमर्शियल नहीं हो रहा है, कमर्शियल हो जाएगा, किराए का ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। किराए के ऑटो रिक्शा चलाओगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते हो? जी हाँ जी, पढ़ाते हैं। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, दो बच्चे वहाँ गाँव पे भी पढ़ रहे हैं, एक यहाँ पे है, ये भी पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या समस्याएं महसूस करते हो रिक्शा चलाने समय? रिक्शा चलाने में किसी भी कीमत पे हम खुश नहीं हैं। खुश नहीं हो? किसी भी कीमत पे खुश नहीं है, इसलिए कि थोड़ी सी अगर किसी से हम प्यार से बोलते हैं, भाई साहब थोड़ी साइड हो जाओ, वे देखता नहीं है, रुक जा, वे चल साइड कर, हर हाल में हमेशा मतलब दिक्कत ही महसूस होती है। ओके, ऐसी पोजीशन में मैं तो ये समझता हूँ कोई भी रिक्शे वाला खुश होकर के नहीं चलाता है कि हाँ मैं रिक्शा चला के खुश हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। कोई भी रिक्शा वाला ये नहीं सोचता है कि हाँ रिक्शा हमारे लिए सही काम है, ये एक मजबूरी है, एक मजबूरी है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? प्रभु शाह। प्रभु शाह? हाँ। प्रभु, प्रभु कितना उम्र है आपका? 22 साल। प्रभु कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हो आप? 7 साल से चला रहा हूँ। 7 साल से रिक्शा चला रहे हो? हाँ। प्रभु कुछ पढ़े लिखे हो भी नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नाम लिखना जानते हो खुद का? हाँ, कुछ नहीं। खुद का नाम लिख लेते हो? हाँ, अपना नाम। प्रभु कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, किधर से हो? बिहार का रहने वाले। बिहार से हो? हाँ, मधेपुरा जिला। अच्छा, तो प्रभु रिक्शा क्यों? मेरे पास मजबूरी ये है कि हमारा पिताजी बहुत एक्सपायर किया बहुत दिनों में, माता भी डेथ कर दिया 6 रोज के, उस हालत में मेरे पे भाई ने, बड़े भाई धक्का दे के अलग कर दिया। उस हालत में मैं मजबूरी में रिक्शा चला रहा हूँ और अपने परिवार की गुजर कर रहा हूँ। हमारे पास खेती था, मैं 10 कट्ठा था, उससे हमारा गुजर नहीं जा रहा था, इसलिए मजबूरी में बच्चे पालने के लिए हम दिल्ली आके रिक्शे चला रहा हूँ। अब इसके लिए सरकार जो सोचे मेरे लिए। अच्छा, तो 7 साल से आप रिक्शा चला रहे हो? हाँ, ठीक है। रिक्शा से पहले खेती करते थे? हाँ। और खेती भी तुम्हारी अपनी खुद की थी? हाँ, खुद की। हम तो अब वो खेती कहाँ गई? वो खेती जैसे कि पिताजी बेच बाज दिया सर, उन्होंने बेच दिया। हाँ, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। ओके, अब यही जानने चाहता हूँ कि सरकार कोई हेल्प दीजिए और हम उसका। तुम्हारा कार्ड बना हुआ है क्या, पहचान पत्र? पहचान पत्र नहीं बना हुआ? घर का बना हुआ? हाँ, गांव का बना हुआ। गांव कौन सा बताया आपने? खार जिला। खार? नहीं, खार बिहार मधेपुरा जिला, खार घर। अच्छा, खार घर। ओके, शादी शुदा हो? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दो बच्चे। बच्चों को पढ़ाते हो? नहीं, अभी किसी को मजबूरी मिलने।
क्या नाम है भैया तुम्हारा? रंजीत शर्मा। रंजीत, रंजीत क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र है 17 साल। 17 साल रंजीत, 17 साल की उम्र और रिक्शा, कुछ पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे है सर। कितना पढ़े हो? सातवीं तक पढ़े हो। पढ़ने लिखने के बाद फिर भी रिक्शा क्यों? सर ऐसा है ना, घर में मजबूरी आ गया। मजबूरी आ गई कैसी? जैसे मजबूरी आ गई, कुछ पैसे वैसे कम कर गया, पढ़ने बाबा भी थोड़ा कमजोर पड़ गया, नहीं पढ़ा सकते, इसलिए रिक्शा चला रहा है। इसलिए रिक्शा चला रहे हो? काम के है, काम नहीं है कुछ तो, इसलिए तुमने सोचा रिक्शा चलाया? चला। अच्छा, जीवन काटने के लिए रिक्शा चला रहे हो? जी। कितना कमाते हो एक दिन में? सर एक दिन में कमा लेता हूँ 150। 150-200 रुपये कमा लेते हो? शादी शुदा हो? नहीं, शादी शादी नहीं हुआ अभी। अच्छा, और रिक्शे से क्या पहले क्या करते थे, खेती या कुछ और? गांव में खेती करते थे। तो सब खेती छोड़ छोड़ कर यहाँ क्यों आ रहे हैं सब? सर, क्या रीजन है? अपना नहीं था, अपना खेती नहीं था, दूसरे का खेती करते थे। अच्छा, मजदूरी करते थे वहाँ पर किसी के खेत के ऊपर? जी जी। अच्छा, तो वहाँ फिर मजदूरी क्यों छोड़ी? मजबूरी उससे नहीं बन रहा था, उससे पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था, इसलिए तुम उसे छोड़ कर यहाँ आ गए। 6 महीने से रिक्शा चला रहे हो? जी। और दिल्ली में कितना टाइम हुआ तुम्हें? दिल्ली में हो गया 6-7 महीने हो गए। छः सात महीने हो गए हैं जी। ओके,